मैं आपके पास डिवाइन का एक संदेश लेकर आई हूँ। यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप एक चुने हुए सोल हैं। आप एक ट्विन फ्लेम, स्टार सीड या लाइट वर्कर हो सकते हैं। आप ब्लेस्ड हैं। शिव कहते हैं, जब किसी बीज को भूमि में बोया जाता है तो उसमें से कुछ बीज बहुत जल्द पौधे के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ बीज बहुत समय के बाद पौधे के रूप में उत्पन्न होते हैं। दोनों में अंतर क्या है? जो पहले उत्पन्न हुआ उसकी जड़ें बहुत कमजोर होती हैं, पर जो बहुत समय के बाद उत्पन्न हुआ उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। यह दर्शाता है धीरज को। यह जीवन का एक दर्शन है कि किसी कार्य के परिणाम आने या उचित प्रतिफल मिलने में विलंब क्यों होता है, क्योंकि यह विलंब धीरज को दर्शाता है। क्योंकि जीवन में धीरज का बहुत महत्व है। धीरज से हम खरे उतरते हैं और खरे उतरने से आशा उत्पन्न होती है और आशा ही विश्वास को जन्म देता है। कोई कार्य जो जल्द मूर्त रूप में सामने आ जाए, जरूरी नहीं कि वो दृढ़ व स्थायी हो, पर जो कार्य समय लेकर अस्तित्व में आए वो दृढ़, स्थायी व अटल होता है, क्योंकि उसमें मेरी योजना शामिल होती है, मेरी इच्छा शामिल होती है। हो सकता है तुमने बहुत कर्म किया हो, बहुत परिश्रम किया हो, पर उसका उचित प्रतिफल या परिणाम तुम्हें न मिला हो, पर इन बातों से हार मत जाना। तुम्हें अनवरत प्रयास करते रहना है, कर्म करते रहना है, क्योंकि तुम स्वयं नहीं जानते कि भोर को, सांझ को या रात के पहर में तुमने जितने बीज बोए हैं वो कब फलित हो जाए। तुम्हारा कोई भी कर्म मैं नहीं भूलता, उन्हें लिख कर रखता हूँ तुम्हारे खाते में, ताकि उचित समय आने पर उसे तुम्हें प्रतिफल के रूप में दूँ। मैंने तुम्हारे संघर्षों को देखा है, मैंने तुम्हारे दुखों को देखा है, मैंने तुम्हारे जीवन की समस्त बातों को देखा है, पर मैं भी धीरज धरता हूँ कि उचित समय पर तुम्हें इतना दूँ कि तुम संभाल न सको। तुम्हारे मन में प्रश्न आते होंगे कि जब मैंने इतना कर्म किया, इतना परिश्रम किया, तो इसका परिणाम कहाँ है, इसका प्रतिफल कहाँ है? तो सुनो, ईश्वर में भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारे कार्य रूपी बीजों को मैंने सहेज कर रखा है ताकि उचित समय पर मैं उसका दुगना दूं। जितना तुमने बोया है उसका दुगना मिलेगा, इतना जो तुम्हारी कल्पनाओं से परे है। तुम्हारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, अति प्रिय। मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ। मेरी इन बातों को स्मरण रखना, पर यदि तुम इनका पालन करो तो मुझे और भी अधिक प्रसन्नता होगी। अपना कर्म निस्वार्थ भाव से करो। अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो। मैं सब कुछ पूरा करूंगा। विश्वास रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुश रहो, सकारात्मक रहो, भलाई करो।